कोलन पुर्तगाल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। रोनाल्डो मैच के बाद रोते हुए दिखे और स्टेडियम से बाहर गए। उनका यह 5वां वर्ल्ड कप संस्करण था। रोनाल्डो का यह आखिरी वर्ल्ड कप माना जा रहा है। मोरक्को की टीम ने इतिहास रच दिया है। यह टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। इससे पहले कोई भी अफ्रीकी देश फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया था। अल फुमामा स्टेडियम में खेले गए मैच में मोरक्को ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। इस हार के साथ ही पुर्तगाल और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का विश्व कप में अभियान समाप्त हो गया। रोनाल्डो मैच के बाद रोते हुए दिखे और स्टेडियम से बाहर गए। मोरक्को से पहले अफ्रीका की 3 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ा था। 1990 में कैमरून, 2002 में सेनेगल और 2010 में घाना क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। वहीं पुर्तगाल की टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हारी है। इससे पहले 2 बार टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। 1966 में DPR कोरिया को क्वार्टर फाइनल में पुर्तगाल ने 5-3 से और 2006 में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराया था। रोनाल्डो का यह 5वां वर्ल्ड कप था। हालांकि उन्होंने सभी वर्ल्ड कप मिलाकर कुल 8 नॉकआउट मुकाबले खेले हैं और किसी में भी गोल करने में कामयाब नहीं रहे हैं। इसमें तीसरे स्थान के लिए मैच भी शामिल है। सभी 5 वर्ल्ड कप मिलाकर रोनाल्डो ने नॉकआउट स्टेज में मैदान पर 570 मिनट बिताए हैं और कोई गोल नहीं किया है। इस दौरान उन्होंने 27 शॉट अटेम्प्ट भी किए। ऐसा माना जा रहा है कि यह 37 साल के रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप है। इसके बाद वह इस टूर्नामेंट में नहीं दिखेंगे। ऐसे में वर्ल्ड कप में कथित आखिरी मैच में रोनाल्डो ने एक खास रिकॉर्ड की भी बराबरी की। उन्होंने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच के रिकॉर्ड की बराबरी की। यह रोनाल्डो का 196वां अंतर्राष्ट्रीय मैच है। उन्होंने कुवैत के बदेर अल मुतावा के रिकॉर्ड की बराबरी की। इससे पहले ग्रुप स्टेज के पहले मैच में रोनाल्डो ने एक गोल भी दागा था। वह वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी हैं। मैच की बात करें तो मोरक्को ने पहले ही हाफ में 1-0 की बढ़त बना ली थी। 42वें मिनट में एन नेसरी ने हेडर से बेहतरीन गोल दाग मोरक्को को बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरे हाफ में पुर्तगाल ने वापसी की कोशिश की, लेकिन मोरक्को के डिफेंडर्स और गोलकीपर यासीन बूनो ने कुछ शानदार बचाव किए और गोल नहीं होने दिए। 51वें मिनट में रोनाल्डो को मैदान पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर भेजा गया। हालांकि वे भी कोई कमाल नहीं दिखा सके। आखिर के कुछ मिनटों में मोरक्को के एक खिलाड़ी वालिद छेदिरा को मैच का दूसरा येलो कार्ड और फिर रेड कार्ड दिखाया गया। आखिर के कुछ मिनट मोरक्को 10 खिलाड़ियों के साथ खेली, लेकिन गोल नहीं होने दिया। एन नेसरी के इस गोल से जीता मोरक्को।